नमस्कार दोस्तों, विदेश कला केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे बात कर रहे एसएससी एमटीएस के बारे में। जी हां दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। मैंने आज एसएससी को फोन किया था, एसएससी के कस्टमर केयर को मतलब फोन किया था, उनका जो कॉलिंग जो नंबर था मैंने फोन किया था, मैंने ईस्टर्न रीजन वाले को फोन किया था, ईआर जी तो ईस्टर्न रीजन वाले को फोन किया था। उन्होंने मुझे विगत जानकारियां बताई है कि मैं क्या बताऊं आपको यार, ईस्टर्न रीजन ने बताया कि एग्जामिनेशन एमटीएस का होगा कि नहीं होगा, सारी की सारी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छे से बात, लगभग हमने 8 से 9 मिनट तक बात किया और सारी की सारी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो 100% सत्यता के साथ मैं आपके साथ बना रहा हूँ। तो इसके बाद आपको ये भी थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और साथ ही बता दूं कि एग्जामिनेशन कब होगा, सारी जानकारी उन्होंने मुझे विगत रूप से बताया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपसे बात करूं, तो मैंने आज जब मैंने फ़ोन किया ईस्टर्न रीजन वालों को, तो उन्होंने से मैंने सबसे पहला सवाल पूछा तो कि क्या सर एसएससी का जो एमटीएस एग्जामिनेशन है वो क्या 1 जुलाई से ही होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि अगर आपने पिछले कुछ रूटीन्स को फॉलो अगर किया है तो आपको नज़र आया होगा कि कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो लगभग उसके 15 दिन पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है, और उसके 15 दिन पहले से हमें पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन कब से है, और साथ ही हमें एडमिट कार्ड जो है वो लगभग 3 या 4 दिन पहले हमें एडमिट कार्ड भी मिल जाता है। तो अब उन्होंने पूछा कि अगर 1 जुलाई से स्टार्ट होना होता है एग्जामिनेशन तो हम आपको अभी तक नोटिफिकेशन दे देते, लेकिन हमारे तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, क्योंकि हम अगर एग्जामिनेशन कैंसिल करते हैं तो हम उसके 1-2 दिन पहले एग्जामिनेशन की नोटिस देते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होता तो हम 15-20 दिन पहले ही आपको नोटिफाई कर देते हैं, तो हमने अभी तक आपको कोई भी नोटिफाई नहीं किया। तो उनसे जब मैंने पूछा कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कि भाई एडमिट कार्ड मुझे जानना है सर कि एडमिट कार्ड कब तक मिलेगा, तो उन्होंने बोला है कि देखिए एग्जामिनेशन होने के अभी चांसेस बिल्कुल से नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन अभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है तो एमटीएस से पहले सीएसएसएल का होना है, फिर सीजीएल का होना है, फिर एमटीएस का होना है। तो अगर एमटीएस का अगर विगत रूप से अगर मैं सही बताऊँ आपको सही जानकारी अगर दूँ तो एग्जामिनेशन होते होते इसका अगस्त हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया और मुझे मेरी सारी खबरों पर उन्होंने मतलब अप्रूवल का निशान मारा, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि भाई देखो आपका जो एग्जामिनेशन वो अगस्त में होगा, लेकिन उन्होंने सत्यता की एक मुहर लगा दी कि अब मुझे पता चल गया कि एग्जामिनेशन जो अगस्त में ही होगी। तो उन्होंने बोला एडमिट कार्ड जो है आपको 7-8 दिन पहले मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नोटिफिकेशन आपको 15-20 दिन पहले एग्जामिनेशन का मिल जाएगा, तो आप अभी ज़्यादा टेंशन ना लें। और एक बात उन्होंने क्लियर की कि देखिए सीएसएसएल का एग्जामिनेशन जो है वो 15 दिन पहले आपका मतलब हम लोग नोटिफाई कर देंगे, और जहाँ तक उन्होंने बताया है कि कैलेंडर में विगत रूप से जानकारियाँ दे दी जाएगी, और कैलेंडर जो है वो मंथ के लास्ट में आएगा। जी हाँ, तो इस मंथ के लास्ट में आएगा, यानी लगभग 28, 29, 30 तक कैलेंडर जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। और उन्होंने जानकारी दी कि कैलेंडर लॉन्च होने के कुछ ही दिन के अंदर, यानी 1 या 2 या 3 दिन के अंदर एसएससी जीडी का भी दोस्तों नोटिफिकेशन के साथ साथ बता दूँ उनका एसएससी जीडी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आ जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए। तो दोस्तों अब ये बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, और अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने 8 या 10 मिनट की जो बात थी मैंने उसको आपको समक्ष संक्षिप्त रूप से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अगर फिर भी कोई अगर परेशानी रह जाती है या कोई भी प्रॉब्लम ऐसा रह जाता है जिसमें आपको लगता है कि आप कन्फ्यूज्ड हैं, आप नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा, मैं इंस्टेंट कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। कल से लेकर अभी तक मैंने नहीं भी तो कम से कम 70-80 कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई भी जल्दी से जल्दी कर दूंगा। ओके दोस्तों, आपको भी कोई सवाल नहीं, मुझे लगता है कि आपके दिल में नहीं होगा, फिर भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।